बैजनाथ उपमंडल के पपरोला के मेन बाजार में आग लगने से किराने की दुकान जलकर राख हो गई। आग सुबह करीब 3 बजे लगी और जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी बैजनाथ से पपरोला पहुंची तब तक दुकान जलकर राख हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार पपरोला बाजार में केसीसीवी बैंक के सामने स्थित अवतार सिंह सविंदर सिंह के किराने की दुकान में सुबह लगभग 3 बजे आग लग गई। इसी बीच पर्यटकों का एक वाहन बाजार के बीच से गुजरा और उन्होंने दुकान से लपटे निकलती देखी। इन पर्यटकों ने थोड़ी दूरी पर खुली एक दूसरी दुकान के मालिक को आग के बारे में बताया। वे जब मौके पर पहुंची तो दंग रह गए। आग दुकान में पूरी तरह से फैल चुकी थी। इसी बीच दुकान के मालिक व फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक तो 2 मंजिल दुकान और गोदाम में रखा अंदर सारा सामान जलकर राख हो चुका था। अनुमान लगाया जा रहा है कि आग से लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। एसडीएम बैजनाथ डॉक्टर मुरारी लाल व पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने के लिए सुबह 5 बजे पहुंच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। एसडीएम बैजनाथ डॉक्टर मुरारी लाल ने बताया कि पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता की जाएगी। रात को लगभग 3 बजे के करीब हमारी दुकान में से आग के लपटें आनी शुरू हुई, तो किसी व्यक्ति ने अंदर गली में हमारा पीछे घर है तो किसी व्यक्ति ने अंदर से आके हमें दरवाज़ा खड़काया और तभी हम अचानक उठे और बाहर आके देखा तो आग की लपटें बहुत बड़ी बड़ी उठ रही थी। तभी हम बाहर निकले तो आग ने अपना उचंड रूप ले लिया था तो उम्मीद है बस हमारा पीछे ही दुकान के पीछे हमारा घर है तो हम सभी बहुत बहुत परेशान हुए थे। बहुत परेशान हुए, हमारी माता जी की हालत बहुत ख़राब है, बहुत हमारी बहुत परेशानी है इस चीज़ को लेकर। तो ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमारे जो परिवार बच गया है, पर ये है कि हम प्रशासन से ही चाहेंगे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए ताकि हमारे नुकसान की भरपाई की जा सके। हमें बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ है। हमारे दुकान के ऊपर गोदाम है, हमारा दुकान का भी नुकसान सारा हो गया है, माल का ऊपर गोदाम का भी ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो हम प्रशासन से ये अनुरोध करेंगे कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तो हमारी मदद करें। ठीक है।